हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल हाउसिंग अनीता में आपका स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में मोमोज आइटम लेके आई हूँ, जो मटर का है। मटर का सीजन आने वाला है, आप हरे मटर से भी मोमोज बना सकती हैं। अब बिना स्टैंड के मोमोज कैसे बनता है वो बताऊंगी, जिसके लिए आपको ये सारी सामग्री चाहिए। मटर हमने जो लिए हैं वो बॉईल करके लिए हैं, और ये न्यूटी नगेट जिसे हमने गर्म पानी में इसे बॉईल कर दिए हैं, इसका पानी हमने निकाल दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, कटर लीजिए, उसमें आप ये मटर डालिए जो बॉईल किया हुआ है, पानी नहीं डालना है। उसके बाद हरा लहसुन सूखा भी डाल सकती हैं, न्यूटी नगेट जिसे हमने बॉईल करके पानी इसका निकाल दिए हैं, सूखा होना चाहिए मसाला। धनिया, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। उसके बाद फ्राइड राइस मसाला, उसके बाद जीरा पाउडर, चीनी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, इसे खूब अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। महीन हो जाना चाहिए थोड़ा, देखिए कितना अच्छा ये महीन हो गया है। इसी तरीके से आप भी इसका पेस्ट बना लीजिए, देखिए इस तरीके से एकदम महीन होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, अब जिसमें आटा लहाना है वो आप बर्तन लीजिए, मैदा डालिए, एक कटोरी मैदा हमने ली है, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर घर का कुटा हुआ, हरा धनिया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए एक चम्मच के करीब, इसे खूब अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसे खूब अच्छे से गूंथ दीजिए, ये ना तो हार्ड और ना ही सॉफ्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी आटा को गूंथ लीजिए, उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम एक साथ कई सारे मोमोज बनाएंगे, इसलिए आप इसको पार्टीशन पे बेलिए। अब आटे का लोई लीजिए, उसके बाद इसे थोड़ा सा सूखा मैदा से कोट कर लीजिए, और इसे खूब पतला सा बड़ी सी पूरी बना दीजिए, ये पतला होना चाहिए, मोटा नहीं। उसके बाद एक ग्लास लीजिए, उसी ग्लास से आप इसको काट लीजिए, आपको जो भी साइज पसंद हो, देखिए इस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम भर के दिखाते हैं आपको। ऐसे आप पेस्ट लीजिए मटर वाला, और इस तरीके से आप पकड़ पकड़ के सारे किनारे आप ऐसे उसे मिला दीजिए। देखिए जब बनाएंगी तो आपका ये डिजाइन बन जाएगा, और बहुत ही अच्छा डिजाइन बन जाता है इस तरीके से बनाने में, देखिए कितना सुंदर ये बन गया है। इसी तरीके से आप सारे मोमोज तैयार कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम बॉईल कर लेते हैं। अगर स्टैंड नहीं है मोमोज वाला तो आप एक इडली का स्टैंड लीजिए, उसमें आप तेल लगा दीजिए ताकि अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद ही सारी मोमोज उसमें आप भर दीजिए, और भंगोना रखिए, भंगोने में आप पानी डाल दीजिए एक गिलास के आसपास ताकि नीचे से जले नहीं। उसके बाद ये स्टैंड आप उसी में डाल दीजिए और अच्छे से इसे कवर कर दीजिए, जो ढक्कन इस पे फिट हो जाए, जो भी आपके पास हो इसे इसमें फिट कर दीजिए ताकि अगल बगल से भाप नहीं निकल पाए, देखिए इस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा हुआ नहीं है, अभी इसे थोड़ा 2-3 मिनट और इसे पकाते हैं। गैस लो मीडियम के बीच में ही रखिएगा, बहुत तेज नहीं रखना है। इसे चेक करने का तरीका है कि हाथ में आपके ये लगे नहीं, चिपके नहीं, तो आप समझिए ये हो चुका है, हमारा ये मोमोज तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए ये ठंडा हो गया है, इसे ठंडे में ही निकालना है, क्योंकि अगर गर्म में आप इसे निकालेंगी तो ये टूट जाता है। आप बल्कि इसे निकाल के फिर से आप ओवन में इसे गर्म कर सकती हैं, लेकिन गर्म में आप स्टैंड से न निकालें, हल्का ठंडा होने दीजिए, फिर उसके बाद ये निकल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए बातों बातों में हमारा ये मोमोज तैयार हो गया है। अब आप मोमोज एंजॉय कीजिए, टेस्टी टेस्टी मोमोज बन गया है, आप इसे सर्व कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ही मोमोज बन जाता है, आप इसे घर में बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।